दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखेंगे तो सॉल्यूशन आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आफ्टर आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी आफ्ताब बताता है 7 ईयर्स अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, यानी अपनी आफ्ताब अपनी डॉटर को बताता है कि 7 साल पहले आपसे मैं 7 टाइम्स बड़ा था, और 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स 3 टाइम्स हो जाऊँगा, यानी अगर उसकी एज वाई है तो 3y हो जाऊँगा। चलो तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी अज्यूम दैट एज ऑफ द एक्स ईयर्स एंड एज ऑफ हिज डॉटर इज वाई ईयर्स, देन 7 ईयर्स अगो एज ऑफ आफ्ताब इट विल बी एक्स माइनस 7। इफ यू हैव योर एज 15 देन 7 ईयर्स अगो योर एज विल बी 8। Why 7 you minus the 7 then 15 becomes 8. Similarly in this variable you minus 7 years then age of his daughter is was y then 7 years ago y minus 7 then according to question says that I was 7 times then आफ्ताब is 7 times than his daughter, then y minus 7, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्ताब की एज 7 times है डॉटर की एज से, तो हमें डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करेगा। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस 7, 7 इंटू y बिकम 7y, 7 इंटू 7, 7 जा 49, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। नाउ ट्रांसफर द वेरिएबल इनटू द लेफ्ट साइड, इट इज 7y 49, नॉन वेरिएबल इनटू राइट साइड, माइनस 7 बिकम्स प्लस 7, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू, इफ यू माइनस प्लस 7 इनटू इन द 49 बिकम्स 42, बिकॉज द बिगर नंबर इन द negative, that's why result is negative. So it is the first equation algebraically. Now we have to write solution table. तो हमने solution table लिखते हैं। ऐसे लिखते हैं जैसे 9th में हमने लिखा था, as in the previous class we have written same type of question. If you put 0 in the given in this algebraic equation, you will get 0y, 0 hata denge 42, 7 6 ja 42, you will get 6. If you put 0, you will get value of y is 6. Now if you put 7, so what you will get, let's solve it. Minus 7y plus 7 becomes transposing plus 7 becomes minus 7. Now minus 7 is equal to minus 49 minus 42, and minus 7 becomes minus 49, 7 7 ja 49. Now you will get 7. Y value of y is 7. नाउ क्वेश्चन में दिया है आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब एज, द आफ्ताब एज वॉज एक्स ईयर, नाउ देन आफ्टर 3 ईयर्स इट विल बी एक्स प्लस 3 एंड हिज डॉटर इज विल बी वाई प्लस 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आफ्ताब सेज दैट आई शैल बी 3 times, देन दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इन द एज ऑफ हिज डॉटर, देन यू कैन राइट दीज
वैल्यूज़ आर इक्वल, तभी आप इक्वल लिख सकते हैं। जब आप डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करेंगे तभी आप इक्वल लिख सकते हैं। 7 = 42 आप इक्वल नहीं लिख सकते। जब 7 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आप 42 लिख सकते हैं इक्वल। नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स प्लस 3 3y प्लस 3 3 = 9। नाउ ट्रांसफर द वेरिएबल इनटू द लेफ्ट साइड एंड नॉन वेरिएबल इनटू द राइट साइड। एक्स माइनस 3y 9 - 6 = 6। 9 - 3 = 6। नाउ दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू हैव टू राइट सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल अगर इस इक्वेशन में एक्स के ऊपर 0 रखते हैं देन क्या मिलता है देखते हैं। एक्स की जगह पे 0 रखा है हमने, ये इक्वेशन है 3y 0 हटा दिए, y = 6/-3 3 2 = 6। नाउ -2 0 रखा हमने -2 आया। नाउ 6 रखते हैं, 6 रख के देखते हैं क्या आता है इस इक्वेशन में। 6 रखा हमने x की जगह। नाउ 6 ट्रांसपोज द 6 इनटू द राइट साइड, इट विल बिकम +6 बिकम्स -6 -3y = 0 देन y = 0। इफ यू पुट 6 यू विल गेट 0। सो वी हैव सोन द एलजेब्रिकली इक्वेशन। नाउ वी हैव टू शो ग्राफिकली। अब ग्राफ के रूप में शो करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। ये याद रखिएगा कि 0 रखें तो 6 आया और 7 रखें तो 7 आया। चलिए तो हमने ग्राफ खींच लिया है। अब देखते हैं, हम x की वैल्यू 0 रखे थे और तो y की वैल्यू 6 आई। तो x एक्सिस ये है, यहाँ पे 0 ये है ओरिजिन जिसको बोलते हैं, और y एक्सिस में 6 देखना है, y एक्सिस में 6 देखना है, तो 6 यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम ऐसे पॉइंट आउट कर देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 0 and 6। एंड देन हमने 7 रखा था तो 7 आया है। तो 7 एक्स एक्सिस का और 7 वाई एक्सिस का, इसके सामने हम पॉइंट आउट कर देते हैं। हमने 7 रखा तो 7 आया। अब ये दोनों पॉइंट को हम स्केल के मदद से मिला देते हैं। और इसके ऊपर वो इक्वेशन लिख लेते हैं x - 7y = -42। अब दूसरा 0 रखा था हमने तो -2 आया था, 0 रखा था तो -2 आया था। ये y एक्सिस का -2 है तो y एक्सिस का -2 यहाँ पे आ रहा है। 0 रखा तो -2 आया, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और 6 रखा तो 0 आया, 6 रखा तो 6 x एक्सिस का है, तो ये x एक्सिस और 0 तो 0 के सामने है, तो 6 रखा तो 0 आया। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से मिला देंगे और उसके ऊपर वो एलजेब्रिक इक्वेशन लिख देंगे। क्या था इक्वेशन? x - 3y = 6। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।